जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति धर्म नस्ल रंग भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है ये अचानक एक मैदान की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं हवाई जहाज से जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदर बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस देश इस राज्य से, आज बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए, वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने आवाज आज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो तो वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इनको पता चल चुका है, और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है। अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ही आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए है इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में है और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खुली संघर्ष कर दिया, आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा, ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहां सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा।